हम देश के भक्त है, हम ना मोदी के भक्त है ना राहुल जी के भक्त है, हम भारत माता के सुपुत्र है और हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे, सरकार कोई भी रहे। राम राज लाने से पेट नहीं भरता, जो जिसका संविधानिक अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, ये लड़ाई है। 2001 से हम लड़ा लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए, संविधान पे नहीं चल रहा तभी तो ये लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक वजह नहीं दी, सरकार ने बस ऐसे निकाल के अपने अपने राज्यों में SC की लड़ाई SC लड़ता है, OBC की लड़ाई OBC लड़ता है, ST की लड़ाई ST लड़ता है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं और इसमें तमाम राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और ये जो पोस्टर है इस पे धोबी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन। आप देख रहे हैं महाधरना, ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, मुख्यतः 3 राज्य से ये लोग आए हुए हैं और ये लोग 4 हैं। ये सारे जितने भी लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे धोबी समाज के लोग हैं और ये लोग चाहते हैं अपना रिजर्वेशन। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों रिजर्वेशन, आप इतने सारे राज्य हैं और सब में रिजर्वेशन मिला हुआ है तो आप लोगों को क्यों नहीं मिला है रिजर्वेशन। पहले मैं इनसे बात करती हूँ। सर, आप लोगों को इतने सारे राज्य हैं, सारे राज्य में धोबी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो आप लोग जो 2-3 राज्य के लोग हैं जिनको नहीं मिला हुआ है। 11 अच्छा, इतने जितने लिखे हुए हैं वो सब मिला था, वो बाकी नहीं मिला। 18 राज्यों में मिला है, वो 18 स्टेट्स पे हमारा SC स्टेटस है, वो 11 स्टेट पे SC नहीं है। इसके लिए पूरा देश का एक ही रिजर्वेशन चाहिए, वन कैस्ट वन रिजर्वेशन। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि 11 राज्य में अभी नहीं है और इन लोगों को 11 राज्य में जो है वन कास्ट वन रिजर्वेशन चाहिए। जितने भी धोबी समाज के लोग हैं मेरे साथ और भी मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे क्या क्या पूरा मामला, क्यों नहीं मिल रहा आप लोग को रिजर्वेशन। देखिए, इस देश में धोबी समाज पूरे देश में एक ही काम करता है, जो कपड़े धोने का, जो सफाई का काम करता है, और एक ही देश में अलग अलग राज्यों में इस समाज को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि अठारह राज्यों में हम SC में है और 11 राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में नहीं है। तो ये 11 राज्यों में जो शेड्यूल कास्ट में हमारा रिजर्वेशन निकाला गया, एक्चुअली ये हमारा इनजस्टिस था। ये हमारा जो रिजर्वेशन निकाला गया ये हमारे पे हुए हुआ अन्याय है और कलम 341 के तहत हमको ये ऐसा इस टाइप से नहीं निकाल सकते। ये राज्यों ने जो निकाला है ये 341 का भंग किया है। हाँ। ये दुरुस्त क्या कह के निकाला है, जैसे कि मुझे मालूम है जितना कि धोबी भी SC कास्ट में आते हैं और SC को रिजर्वेशन है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं 11 राज्य में सबको OBC में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसकी क्या वजह दी है सरकार ने। सरकार ने अभी तक वजह नहीं दी। हाँ। सरकार ने बस ऐसे निकाल के अपने अपने राज्यों में वैसे ही निकाल के इनको OBC में डाल दिया है। और काम आप लोग वही कर रहे हैं, काम तो आज भी वही कर रहे हैं। हाँ। और कल भी वही करते थे, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा तब भी वही करते थे, और बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी हमको SC में डाला हुआ है, और SC के आधार पर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम आज 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है, और 18 के 18 राज्यों में कोई अमेंडमेंट संसद में लिए नहीं, क्योंकि संसद में अमेंडमेंट लिए बगैर उसमें डाल भी नहीं सकते SC में और निकाल भी नहीं सकते। तो 18 राज्यों में हम 1950 से जब घटना लागू हुई तब से हम, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार हर राज्यों में अपनी मनमानी कर रही है और राज्यों में अपनी मनमानी करके हमारे साथ में जो अन्याय किया हुआ है उसके लिए हम ये लड़ा। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे शिवसेना भाजपा की सरकार। अच्छा, शिवसेना की सरकार है तो वो मनमानी कर रही है। ये तो 2001 से हम लड़ा लड़ रहे हैं। हाँ। 20 साल हो गए। हाँ। हमारे लिए वहाँ पे एक डॉक्टर भांडे कमेटी बिठाई गई। 20 साल से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 साल से आप लोग OBC में ही हैं। नहीं, OBC में तो हम 60 साल से है। हाँ। पर कैसा है कि हम जो लड़ाई हुई है ये 20 साल में, इनके लिए जो कमेटी बिठाई गई थी, महाराष्ट्र में अलग कमेटी बिठाई गई, डॉक्टर भांडे कमेटी, कर्नाटक में अलग कमेटी बिठाई गई, ये कमेटी के रिपोर्ट आ गए। मुझे इतना पता है कि सारे राज्यों में SC को रिजर्वेशन है। हाँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे मांगने आए कि जो अलग राज्य में 11 राज्य के अलावा जो धोबी को जो रिजर्वेशन है उस तरीके का रिजर्वेशन आपको चाहिए। हाँ। क्या स्पेशल रिजर्वेशन है उन लोग को? वो शेड्यूल कास्ट का है, SC का। क्या उन लोग को एक्स्ट्रा SC को? तो सबको है, सारे राज्य वालों को SC का है, शेड्यूल कास्ट का SC का 341।
और 341 का रिजर्वेशन जैसा 18 राज्यों में है वैसा ये बाकी राज्यों को जो निकाला गया वो इनको पूर्ववत देना चाहिए, ये डिमांड है। अच्छा, जो ये जो 11 राज्य के अलावा जो आप लोग जिस राज्य से आए हैं, मतलब 11 राज्य में जो है धोबी को ओबीसी में कर दिया गया, बाकी सारे एससी में ही? एससी में। अच्छा, 18 राज्य एससी। तो आप लोग अपने जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको भेजा तो होगा कि पूछा तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? उन लोगों को तो वही है कि भाई जो मंत्रालय करेगा वो इसके लिए है ना, जो कैबिनेट का निर्णय चाहिए तो हर राज्यों में अपना कैबिनेट निर्णय करके वो सिफारिश सेंट्रल को भेजती है, क्योंकि स्टेट को वो राइट्स नहीं है। तो सिफारिश करके जब वो सेंट्रल को भेजेंगे तो बाकी वर्क तो संसद सेंट्रल सामाजिक न्याय मंत्रालय केंद्र को ही करना है। पहली बार यहाँ आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, इसके पहले भी हमने धरना दिए हैं। आपको क्या लगता है अभी कब तक, अभी 20 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की मांग मान ली जाएगी? क्या है, संख्या से कम जो छोटे छोटे समाज है, जो 12 बलूतेदार छोटे समाज है, इनका मतदान का जो संख्या है वो बहुत कम है, और कोई भी सरकार कोई भी पक्ष मतदान को ज़्यादा कीमत देता है, संख्या ज़्यादा है। जैसा कांशीराम जी ने बोला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इस तहत पे ये छोटे समाज, संख्या छोटे होने के कारण संसद में भी हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी आवाज़ नहीं उठाता। एससी एसटी ओबीसी तो एक साथ आवाज़ उठाते हैं, एससी के लिए जो आप लोग हैं उसमें नहीं, तो नहीं। एससी की लड़ाई एससी लड़ता है, ओबीसी की लड़ाई ओबीसी लड़ता है, एसटी की लड़ाई एसटी लड़ता है, तो अलग अलग कैसे लड़ पाएंगे, सबको एकजुट तो होना पड़ेगा। संवैधानिक अधिकार जो हमारा है और संविधान ने हमको दिया हुआ अधिकार है, इसके लिए हमको संविधान की लड़ाई लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकली हम है, सारे एससी जितने भी हैं जो 11 राज्य में जो हैं वो सारे लोग, आप लोग एकजुट हो पाए हैं? नहीं, एससी सब एकजुट नहीं हो पाए। तो कैसे मिलेगा आप लोग को न्याय, आप लोग की कैसे मांग, जब आप लोग में एकजुटता ही नहीं है तो कैसे आप लोग? हमारी लड़ाई हमारे जवान पे नहीं है, सरकार के भरोसे पे नहीं है, हमारी जवाब संविधानिक आधार पर है, और संविधानिक आधार पर इसलिए है, इसलिए ये देश अगर संविधान पे चलता है तो हमारा संविधानिक अधिकार जो 20 साल से तो संविधान पे ही चल रहा है, आप लोग को मिला कहाँ? नहीं तो लड़ाई तो चालू है ना, लड़ाई आपको लग रहा है संविधान पे चल रहा है? संविधान पे नहीं चल रहा तभी तो ये लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, नहीं तो कैसे नहीं चल रहा है संविधान पे? या अगर 25 साल से धोबी समाज की महाराष्ट्र से सिफारिश यहाँ 4 बार आती है सेंट्रल में और सेंट्रल से फिर वापस जाती है, तो ये क्या संविधानिक, ये संविधान पे चल रहा है? ये संविधानिक नहीं है ना। अरे मेरा संविधानिक हक जब मारा इस देश का जो जो राज्य में धोबी एससी में नहीं है, वो धोबी जो लड़ाई लड़ रहा है वो उसके संविधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसका संविधानिक अधिकार उसको मिल रहा नहीं, इसका मतलब संविधान पे नहीं चल रहा। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है हम जो है मतलब गरीबों के लिए काम करते हैं, एससी एसटी के लिए काम करते हैं, हम ओबीसी माँ के बेटे हैं और हम गरीबों के साथ हैं। तो गरीबों के साथ हो तो गरीबों का हक भी गरीबों को मिलना चाहिए ना, जब हक मिलेगा प्रैक्टिकली तब इनके बोलने में भी दम रहेगा, खाली बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है ये तो देखो। 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तो आप जिस प्रकार से मोदी जी बोलते हैं कि हम गरीब माँ के बेटे, हमारे लिए एससी एसटी गरीब जो हैं वो हमारे लिए सब सर्वप्रथम है, हमारी प्राथमिकता जो है वही है, फिर भी आप लोगों की बात नहीं सुनी और आप लोग जिता रहे हैं बार बार, मोदी भक्त हैं आप लोग, मोदी को प्यार करते हैं या नहीं? हम देश के भक्त हैं, हम ना मोदी के भक्त हैं ना राहुल जी के भक्त हैं, हम भारत माता के सुपुत्र हैं और हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे, सरकार कोई भी रहे, हमारा पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा हक हमको देगा वो हक हम, वो कुर्सी पे कोई भी बैठा रहे। देखो इस देश का कोई भी नेता वो संवैधानिक कुर्सी पे बैठा है, उसका बाप राजा था इसलिए ये राजा नहीं बना, ये संवैधानिक कुर्सी पे लोकशाही में हमने ना उनको वोटिंग किया, लोकशाही पद्धति से वो चुन के आया हुआ है, वो संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ है और संवैधानिक कुर्सी पे जो जो बैठेगा राजा उसको हमारे संवैधानिक अधिकार मांगने का हमको हक है। नहीं नहीं, मतलब एक बात बताइए कि एक तो आप लोगों को मोदी जी इतना अच्छा अच्छा काम करें, आप लोग अब भूल जाइए रिजर्वेशन, मोदी जी अच्छा काम करें, राम राज ला रहे हैं, राम राज चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और आप लोग यहाँ उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। राम राज लाने से पेट नहीं भरता, जो जिसका संविधानिक अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, ये लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं, हम तो उनके ख्याल में यही ला के देना चाहता है कि हमारे साथ में जो इंजस्टिस हुई है भाई उसका हम न्याय मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कब तक पूरा होगा आपका जो? देखते आप, लड़ाई जारी है, मरते दम तक लड़ाई करेंगे। अरे लड़ाई लंबी रहती है, 1857 में मराठा का उठाव हुआ था, स्वतंत्रता का उठाव 1857 में हुआ था, 1947 में आज़ादी मिली,
लेकिन 100 साल लड़ाई, लेकिन हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और आप देखते ना ये करते क्यों नहीं, हम वो भी देखेंगे ना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की लड़ाई के लिए 14 तड़ी की जो लड़ाई है वो 1928 में शुरू किया था। वो लड़ाई अस्पृश्यता के विरुद्ध में थी। 1928 में 14 तड़ी की लड़ाई जो चालू की है तो क्या आज तक अस्पृश्यता खत्म हुई? आज भी चालू है तो क्या लड़ाई थोड़ी खत्म हुई? लड़ाई तो चालू है। तो रामराज से खुश नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बातों से पेट नहीं भरता, प्रैक्टिकली हमारे जनता के हक जनता को मिलना चाहिए। तो कौन देगा जनता को हक? कौन सा नेता बनेगा जो हक की बात करेगा जनता की? नेता कोई भी रहे, संवैधानिक हक के लिए हम लड़ेंगे और हमारा हक हम लेंगे। नेता कोई भी बैठे कुर्सी पे, कुर्सी लोकशाही में है, हमारी है, हम जनता है, हम उसके मालिक है लोकशाही में, हम हमारा हक मांगेंगे। 8 साल से तो ये कुर्सी टिकी हुई है आप लोगों के प्यार से, आगे भी 2024 में भी टिकी रहेगी? वो तो देखिए जनता जो करेंगी उसके साथ में हम है, लेकिन हम हमारा हक हमारे तरीके से एक लोकशाही के माध्यम से हम मांगते रहेंगे। ये लोग संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड जो है रख रहे हैं सरकार के आगे, और ये लोग बोल रहे हैं हम लोग मरते दम तक जो है अपनी मांग मांगते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों की जो मांग है, ये लोग जो 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को OBC से SC में लाने का, इन लोग का रिजर्वेशन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कब इनकी मांग मांग ली जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? पूरी खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।